कक्षा 3 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 18 डॉक्टर राधा कृष्ण, इसमें मैंने पिछली वीडियो में इसके कुछ भाग को आपको समझाया। आज आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 116 खोलिए और आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, संक्षेप में उनके बारे में समझा देते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आपको याद हो गया होगा डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 ईस्वी। और उनका जन्म स्थान अगर आपसे पूछा जाए क्या बताएंगे, मद्रास चित्तूर जिले में मद्रास प्रांत के तिरुतली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने एमए की परीक्षा में अपना कौन सा शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, उसका नाम आपको याद हो गया होगा, दी एथिक्स और वेदांत विषय पर लिखा, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक थे, श्रेष्ठ तत्वचिंतक थे, निपुण शिक्षा शास्त्री और आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी प्रथम रचना से ही लेखन के क्षेत्र में पहचाने जाने लगे। उनकी प्रथम रचना ये थी दी एथिक्स ऑफ वेदांत, जो कि एमए में उन्होंने शोध प्रबंध में लिखा, ठीक है। वे पहले मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता का क्या होता है, जो अध्यापक, तो दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। कहाँ पे, मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है। फिर मैसूर विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। वे आंध्र विश्वविद्यालय और वाल्टेयर अर्थात जो कि आंध्र प्रदेश में है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक उच्च कोटि के लेखक थे। शिक्षा एवं शिक्षक विषय पर, शिक्षा शिक्षा एवं शिक्षक विषय पर उनके विचार अत्यंत स्पष्ट, मौलिक व आदर्शवादी थे। उनके अनुसार शिक्षक वह है, वो मानते थे कि शिक्षक वह है जो स्वयं और मानव के भविष्य के प्रति विश्वास के साथ समर्पित है, अर्थात आने वाली जो भी पीढ़ी जिसे वो शिक्षा देता है उसकी भविष्य के प्रति समर्पित। केवल त्याग की भावना रखने वाले व्यक्ति ही इस देश को महान बना सकते हैं। जिसमें त्याग की भावना होती है वही व्यक्ति इस देश को महान बना सकते हैं। वे अक्सर कहा करते थे कि आत्मा का विकास व मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, एक वास्तविक शिक्षक होना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षक की परिभाषा इस प्रकार दी थी कि एक वास्तविक शिक्षक अर्थात जो वास्तव में शिक्षक है वो स्वयं और मानव यानी अपने प्रति भी और मानव के भविष्य के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए वो स्वयं और मानव के भविष्य के प्रति विश्वास के साथ समर्पित होता है। केवल त्याग की भावना अर्थात वो इतना त्याग करता है, अपना स्वार्थ छोड़कर त्याग की भावना रखता है कि किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को और अच्छे से अच्छा ज्ञान दिया जाए और उसमें कार्यकुशलता के गुण आए। ये सन 1952 ईस्वी में
डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति चुने। तथा लगातार दो कार्यकाल 1962 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। 1952 से लेके 1962 ईस्वी इसके बीच में दो कार्यकाल होते हैं। कैसे देखे ध्यान से, 5 साल का एक कार्यकाल होता है और 5 साल का दूसरा, तो दो कार्यकाल तक इस पद पर बने रहे। इस दौरान सन 1953 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों का व्यापक भ्रमण किया। पश्चिमी देशों का व्यापक यानी बहुत विस्तार से भ्रमण किया। सन 1962 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक वह भारत के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक वे भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। और अंततः 1975 ईस्वी में 87 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया तथा मृत्यु हो गई 1975 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। बच्चों, आपने डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसमें जाना। इसको फिर से एक बार उच्चारण से पढ़िएगा और याद कीजिए, ठीक है। शब्द मैत्री भी आप लोग याद करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।